लिबर ऑफिस इंप्रेस में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि प्रस्तुति में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स कैसे प्रविष्ट करें, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करना, प्रस्तुति के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स प्रविष्ट करना। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जीएनयू लिनक्स और लिबर ऑफिस वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। वेब ब्राउजर एड्रेस बार में स्क्रीन पर दिखने वाली यूआरएल टाइप करें। यह एक इमेज दिखाता है। अब इमेज पर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज ऑप्शन चुनें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेम फील्ड में ओपन सोर्स -bard.png पहले से ही प्रदर्शित है। मैं लोकेशन के रूप में डेस्कटॉप चुनूंगा और सेव बटन पर क्लिक करूंगा। चलिए अपनी प्रस्तुति sample-impress को ओपन करते हैं, जिसे हमने पहले ही सेव किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस प्रस्तुति में पिक्चर कैसे जोड़ें। मुख्य मेन्यू में इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर पिक्चर पर क्लिक करें। अब फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फोल्डर को चुनें जिससे आप पिक्चर प्रविष्ट करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप फोल्डर चुनूंगा। अब पिक्चर को चुनें जिसे हम प्रविष्ट करना चाहते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करें। पिक्चर स्लाइड में प्रविष्ट हो जाती है। बदलाव को अंडू करें। चलिए मैं पिक्चर प्रविष्ट करने के लिए अन्य तरीके का वर्णन करता हूँ। इंसर्ट और स्लाइड पर क्लिक करके ओवरव्यू नामक स्लाइड के बाद एक नई स्लाइड प्रविष्ट करें। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और टाइटल को ओपन सोर्स फनी में बदलें। केंद्र में चार आइकन्स युक्त एक छोटे बॉक्स पर ध्यान दें। यह इंसर्ट टूलबार है। इंसर्ट टूलबार में इंसर्ट पिक्चर आइकन पर क्लिक करें। पिक्चर चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि प्रविष्ट की हुई पिक्चर लगभग पूरी स्लाइड को कवर करती है। आप पहले इस पर क्लिक करके और कंट्रोल पॉइंट का कुशलतापूर्वक उपयोग करके इमेज का आकार और साइज बदल सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी प्रस्तुति में अन्य ऑब्जेक्ट भी प्रविष्ट कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स और मूवी क्लिप्स। इन सभी संभावनाओं को जांचें। अब सीखते हैं कि हाइपरलिंक कैसे करें। हाइपरलिंकिंग आपको प्रस्तुति से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आसानी से जाने या वेब पेज या डॉक्यूमेंट ओपन करने की अनुमति देता है। पहले हम देखेंगे कि प्रस्तुति में हाइपरलिंक कैसे करें। ओवरव्यू नामक स्लाइड के बाद नई स्लाइड प्रविष्ट करें। टाइटल पर क्लिक करें और टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइप करें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और निम्न प्रकार से उत्तरवर्ती स्लाइड पर टाइटल टाइप करें। ओपन सोर्स फनी, द प्रेजेंट सिचुएशन, डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट, पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, रिकमेंडेशन। डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट टेक्स्ट लाइन को चुनें। इंसर्ट और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यह हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। बाएं पेन पर डॉक्यूमेंट चुनें, फिर दाएं फील्ड के टारगेट इन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। इस प्रस्तुति में मौजूद स्लाइड्स की सूची ओपन होती है। सूची से डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट नामक स्लाइड चुनें। इस सूची में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में फिर से अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड में कहीं पर भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गई है। हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित स्लाइड पर ले जाता है। अन्य डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक करने के लिए चलिए कंटेंट स्लाइड के टेबल पर वापस चलते हैं। अब दूसरी लाइन जोड़ें, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट की लाइन को चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। बाएं पेन में डॉक्यूमेंट चुनें। डॉक्यूमेंट पाथ फील्ड के दाएं फोल्डर आइकन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट चुनें जिसे आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं।
हम resume.odt चुनेंगे, जिसे हमने राइटर सीरीज में बनाया है और ओपन बटन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गई है। अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित डॉक्यूमेंट पर ले जाता है। यहां यह हमें resume.odt पर ले जाता है। वेब पेज को हाइपरलिंक करना समान है। प्रस्तुति के अंत में एक नई स्लाइड प्रविष्ट करें। टाइटल को Essential Open Source Software में बदलें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स में Ubuntu LibreOffice टाइप करें। टेक्स्ट की दूसरी लाइन को चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। बाएं पेन पर इंटरनेट चुनें। हाइपरलिंक पेज में वेब चुनें। टारगेट फील्ड में www.libreoffice.org टाइप करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गई है। अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित वेब पेज पर ले जाता है। आखिर में टेबल्स डेटा को कॉलम्स और रोज में सुव्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि LibreOffice Impress में टेबल कैसे जोड़ें। स्लाइड पेन से डेवलपमेंट अप टू द प्रेजेंट नामक स्लाइड चुनें। टास्क पेन में लेआउट सेक्शन से टाइटल और दो कंटेंट आइकन चुनें। बाईं ओर के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट चुनें और फॉन्ट साइज 26 तक कम करें। दाईं ओर टेक्स्ट बॉक्स में केंद्र में इंसर्ट टूलबार से इंसर्ट टेबल आइकन पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से कॉलम्स की संख्या 5 और रोज की संख्या 2 प्रदर्शित होती है। हम कॉलम्स की संख्या 2 में और रोज की संख्या 5 में बदलेंगे। ओके बटन पर क्लिक करें। चलिए टेबल को बढ़ाएं ताकि टेक्स्ट पठनीय हो। निम्नानुसार टेबल में डेटा एंटर करें। इंप्लीमेंटेशन ईयर परसेंट 2006 10%, 2007 20%, 2008 30%, 2009 40%। अब टेक्स्ट को बोल्ड और मध्य में करने के लिए हेडर रोज के फॉन्ट को बदलते हैं। टेबल के कलर को बदलने के लिए पहले पूर्ण टेक्स्ट को चुनें, फिर टास्क पेन पर टेबल डिजाइन सेक्शन से टेबल स्टाइल चुनें। मैं इसे चुनूंगा। देखें अब टेबल कैसा दिखता है। अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पिक्चर कैसे प्रविष्ट करें और इन्हें फॉर्मेट कैसे करें, प्रस्तुति के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स प्रविष्ट करना। इस व्यापक नियत कार्य को करने की कोशिश करें। नई प्रस्तुति बनाएं। तीसरी स्लाइड में पिक्चर प्रविष्ट करें। फोर्थ स्लाइड में 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला टेबल बनाएं। टेबल की रो 2 कॉलम 2 में स्लाइड 3 टाइप करें। इस टेक्स्ट को तीसरी स्लाइड से हाइपरलिंक करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें spoken-tutorial.org। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org
nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।